अच्छा, अब यहाँ उसने ये बताया हुआ है कि विदाउट अ सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर जो है वो क्या है, इट्स जस्ट लाइक एन एरोप्लेन विदाउट अ पायलट। जैसे एक एरोप्लेन पायलट के बगैर बिल्कुल बेकार है, वैसे ही कंप्यूटर विदाउट सॉफ्टवेयर बेकार है हमारे लिए। द सॉफ्टवेयर इज़ नॉट अ फिज़िकल इन नेचर। सॉफ्टवेयर को हम टच नहीं कर सकते, ठीक है, यू कैन नॉट टच इट। सॉफ्टवेयर इज़ अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। सॉफ्टवेयर एक ऐसी हिदायत है स्टोर्ड ऑन अ डिस्क ड्राइव्स और सीडीज एंड डीवीडीज। ये स्टोर किसके ऊपर होता है? डिस्क ड्राइव्स के अंदर, सीडी के अंदर और डीवीडीज के अंदर। डैट टेल्स द हार्डवेयर What to do, ये जो कि कंप्यूटर हार्डवेयर को बताता है कि क्या करना है और कैसे करना है, ठीक है, किसी भी जॉब को। सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर कॉम्प्लीमेंट्स ईच अदर, ये एक दूसरे को जो है वो क्या करते हैं, एक दूसरे के लिए जो है वो काम करते हैं। दिस मीन्स विदाउट हार्डवेयर सॉफ्टवेयर हैज़ नो वैल्यू। सॉफ्टवेयर की कोई वैल्यू नहीं है हार्डवेयर के बगैर, हार्डवेयर की कोई वैल्यू नहीं है सॉफ्टवेयर के बगैर। एक एग्जाम्पल उसने इस तरह से दी कि अगर हम एक पेंटिंग बनाते हैं MS पेंट के ऊपर, ठीक है, तो उसमें हमारे पास क्या होगा, उसमें हमारे पास ये होगा कि हम लोग यू ड्रॉ कलर एंड अ ब्यूटीफुल पिक्चर इन MS पेंट ऑन अ कंप्यूटर। ठीक है, आपने एक खूबसूरत सी तस्वीर बनाई है MS पेंट के ऊपर। कंप्यूटर इज़ एन एग्जांपल ऑफ हार्डवेयर, तो जो जिसके थ्रू बनाई आपने, यानी कंप्यूटर पे बनाई, तो वो हमारा हार्डवेयर, और MS पेंट जिस पे हमने, जिसको यूज़ करके हमने वो पेंटिंग बनाई, वो सॉफ्टवेयर। यू कैन टच द हार्डवेयर, आप हार्डवेयर को तो टच कर सकते हो लेकिन सॉफ्टवेयर को आप टच नहीं कर सकते। अच्छा, अब सॉफ्टवेयर को आपने क्लासिफाई कर दिया दो चीज़ों में, ठीक है। सॉफ्टवेयर की जो है दो टाइप्स आगे से आ गई, एक ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर और एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। आज जिसके बारे में हमने पढ़ना है, हमने पढ़ना है ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर के बारे में। ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ एन इंटीग्रेटेड सेट ऑफ स्पेशलाइज्ड प्रोग्राम दैट ऑपरेट्स बिहाइंड द सीन। अच्छा, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? ये जुड़ा हुआ होता है ख़ास मखसूस किस्म के प्रोग्राम्स को ऑपरेट यानी चलाने के लिए बिहाइंड द सीन, पीछे रह के, ठीक है, ताकि वो इंश्योर यकीनी बना सके दैट योर कंप्यूटर सिस्टम, आपका कंप्यूटर सिस्टम जो पूरा है और इसके कंपोनेंट्स यानी इसके हिस्से जो हैं वो फंक्शन कर रहे हैं प्रॉपरली, ठीक है। अब इसको ऐसे समझें कि आपका कंप्यूटर जितना काम करता है और आपके कंपोनेंट्स, कंप्यूटर से जो जुड़े हुए पार्ट्स हैं, वो जितना सही काम करते हैं, वो किसकी वजह से करते हैं? वो आपके ऑपरेटिंग सिस्टम की वजह से करते हैं। इट इज़ अ फर्स्ट प्रोग्राम विच इज़ लोडेड व्हेन द कंप्यूटर इज़ टर्न ऑन। जब भी आप कंप्यूटर को ऑन करेंगे तो सबसे पहली चीज़ कंप्यूटर में ऑन होगी वो क्या है? वो है कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर। अच्छा, उसके बाद है आपके पास ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। उसने एक छोटी सी एग्जांपल और दे दी, वो ये दी, यू कैन नॉट वर्क ऑन अ कंप्यूटर विदाउट एन ऑपरेटिंग सिस्टम। आप कंप्यूटर पर काम नहीं कर सकते अगर आपका ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। जाहिर है, जब आपकी चीज़ों को ठीक तरीके से चलाने वाली मशीन ही नहीं होगी तो आप किस तरह से कंप्यूटर से कम्युनिकेट करोगे, बातचीत करोगे और उसको अपनी बात समझाओगे, ठीक है? क्योंकि कंप्यूटर तो आपकी लैंग्वेज समझता ही नहीं है, वो तो अपनी लैंग्वेज समझता है, और उसको उसकी लैंग्वेज समझाने के लिए क्या ज़रूरी है? हमारे लिए ऑपरेटिंग सिस्टम होना ज़रूरी है। अच्छा, अब इसी एग्जांपल उसने इस तरह से दी कि आपके पास एक नई कार है, ठीक है, आपने एक नई कार ख़रीदी जिसमें हर तरह की आसाइश है, उसमें फ्रिज भी लगा हुआ है, एसी भी है, म्यूज़िक सिस्टम भी है, ठीक है, हर चीज़ अटैच्ड है, लेकिन एक प्रॉब्लम है कि आपको गाड़ी चलानी नहीं आती, ठीक है, यू डोंट नो हाउ टू ड्राइव द कार, ठीक है, और आपके पास ड्राइवर भी अवेलेबल नहीं है। तो क्या आप गाड़ी को मूव नहीं करवा सकोगे? नहीं करवा सकोगे, क्योंकि आपको खौफ होगा कि आपकी जो कार है या तो खुदा ना खास्ता उसका एक्सीडेंट हो जाएगा, या वो सही से मूव नहीं करेगी, या हम कहीं उसको मार दें, उसको डैमेज ना कर दें, ठीक है, तो क्या होगा? आपको डर होगा कि आपकी मशीन प्रॉपरली काम नहीं करेगी। इसी तरह जो कंप्यूटर है उसको डर होता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होगा तो मैं यूज़र की बात को सही से गेट नहीं कर सकूँगा, हासिल नहीं कर सकूँगा, तो मैं सही से उसकी जब चीज़ को हासिल नहीं कर सकूँगा, समझ नहीं सकूँगा, तो मैं उसे आउटपुट भी उस तरह से नहीं दे पाऊँगा, ठीक है। सिमिलरली योर कंप्यूटर नीड्स एन ऑपरेटिंग सिस्टम टू वर्क। देयर आर नंबर ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम्स अवेलेबल, बहुत सारे जो है सिस्टम्स अवेलेबल हैं कि कौन कौन से, विंडो 8, डॉस, यूनिक्स एक्सेट्रा। ये हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम के कुछ जो है वो एग्जाम्पल्स हैं।